गब्बर जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है और ये और वो गोली मार के गए हैं, जिसमें से मेरी मामी को गोली लगी है छह लोगों को लगी है, मुझे मिला के नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24, मैं हूं आपके साथ रोहन सोनकर। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर एक फौजी ने 7 लोगों को गोली मार दी है। गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई है जबकि दूल्हा समेत 6 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना छपिया थाना क्षेत्र के महुली खोरी गांव के पांडेपुरवा की है। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां से सभी घायलों को गोंडा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची छपिया थाने की पुलिस ने आरोपी फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। मैं मौलीखोरी में रहता हूं, जिला गोंडा है, थाना छपिया है। क्या विवाद था? कुछ सर, कोई विवाद नहीं था, बस एक छोटी सी टीन का विवाद था जो कि 3 दिन पहले घटना हुई थी। उन्होंने गाली दी, हम चुप लगा गए। फिर आज वो आए, आते हमारे घर के सामने, घर के अंदर लाके बाइक खड़ी करी, हमारे चाचा को लड़के को मारने लगे, तो हम लोगों ने छुड़ाया उसे भगा दिया वहाँ से। वो मिलिट्री में काम करता है, वो गया अपने सारे भाई बंधुओं को इकट्ठा कर। क्या नाम है जो मिलिट्री वाले हैं? गब्बर नाम है उनका, गब्बर उसमें कुछ और नाम, और लेकिन उनका फौज में कुछ और नाम है, जो गांव के लोग परिचित है उसका नाम गब्बर है। उसके 4 भाई हैं, उसके बाप का नाम फिरे है, उसके सारे लड़के आए थे, उसमें किन्नी और अर्जुन ये जो मेन बंदे हैं, सबसे मेन है गब्बर जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है, और ये क्या नाम अर्जुन और किन्नी ये लोग भी आए थे, और उसके 4 भाई जिनका मुझे नाम नहीं पता है, और वो गोली मार के गए हैं, जिसमें से मेरी मामी को गोली लगी है 6 लोगों को लगी है, मुझे मिला के आपको भी गोली कहां लगी? आपको गोली? मुझे गोली यहां लगी है, और जिससे मेरा फोन डैमेज हो गया, अदरवाइज मेरे पैर पे गोली लगती और मैं भी इस टाइम हॉस्पिटल में होता। मेरी मामी जिसको गोली मारी, यहां गोली लगी है और डेड कर गई, जिसका ब्लड भी वहां पर है, पुलिस ने राउंड करा है उसको। मेरे भाई के पेट में कितनी राउंड गोली चली है? 12-15 राउंड गोली चली है। उसके छर्रे भी हमारे पास है, एज एन एविडेंस हमने उसको पुलिस को दिया है। ये देखिए, थाना छपिया क्षेत्र के महुली खोरी गांव में एक फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब मौके पर आकर यहां पर जांच की गई तो ये जानकारी हुई कि आसपास के 2 पक्षों में किसी बात को लेकर, टीन शेड लगाने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके फलस्वरूप एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष में, जिसके घर में शादी थी, फायरिंग कर दी गई, जिसमें कुल 6 लोगों के घायल होने की सूचना पुलिस को मिली थी। उन 6 को यहाँ पर CSC ले जाया गया, जहाँ पर एक महिला जिसकी उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है, उनकी मृत्यु हो गई। शेष जो 5 लोग थे उन्हें जिला अस्पताल बेहतर उपचार हेतु रेफर किया गया है, और जो परिजनों द्वारा मौके पर ही आरोप लगाया गया उसके संबंध में मुख्य आरोपी एक गब्बर करके है, राजू यादव गब्बर, उसे मौके से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है, सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है, पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद है, शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य।